अभी ऐसी सिचुएशन आ गई है कि ऑब्वियसली आज शादी तो ऋतिक कर ही नहीं सकता बिकॉज उसके भाई को मतलब कुछ ऐसा हुआ है जो अभी तक आप कह रहे हो साथ में बैठा, लेकिन मुझे तो नहीं पता कि क्या हुआ है. सो वो आके ऑब्वियसली मना करता है कि मैं आज मैं आज तो शादी नहीं करूँगा. और साथ साथ में ये था कि वो शगुन होता है और कुछ मेरी जान को भी खतरा होता है अगर मैं आज शादी ना करूँ तो, ऐसे माँ ने बताया होता. तो लॉट ऑफ कन्फ्यूजन एंड बहुत सस्पेंस है इसमें, जो ऑब्वियसली आपको अगले एपिसोड में पता चलेगा कि क्या है. क्या पता ऐसे भी हो सकता है क्या होता है एग्जैक्टली, इसके लिए तो आपको एपिसोड देखना पड़ेगा. इसलिए प्लीज़ देखिएगा नागिन शनिवार और रविवार 8:00 बजे ओनली ऑन योर फेवरेट चैनल कलर्स. नज़र ना लग जाए, अपशगुन ना हो जाए. आई एम ग्लैड दैट द ऑडियंस इज यू नो गेव अस सो मच लव इन द इनिशियल यू नो इन द बिगनिंग, एंड अभी भी जो मतलब प्यार बरकरार रखा है उन्होंने. एंड आई जस्ट होप कि ये कंटिन्यू होता है, एंड वी रियली नीड इट, आवर शो रियली नीड्स इट, वी वर्क रियली हार्ड टू यू नो मेक दिस काइंड ऑफ अ शो, ताकि वो कन्विंसिंग भी लगे. काफ़ी सारे ग्राफिक्स हैं इसमें, एंड बट खुशी इस बात की है कि बहुत स्केप्टिकल थे हम सब लोग कि क्या होगा, वर्क करेगा नहीं करेगा, हाउ विल दी ऑडियंस रिएक्ट, बट अच्छा लग रहा है बहुत अभी. एंड आई जस्ट होप इट कंटिन्यूज़ इन द कमिंग वीक्स टिल द शो इज़ ऑन एयर, बिकॉज इट्स अ फाइनाइट सीरीज. तो आई एम श्योर कि लोग देखना चाहेंगे कि यू नो वॉट इज़ द, ऐसा नहीं है कि पता ही नहीं खींचे जा रहे हैं, ऐसा नहीं है. तो इट इज़ अ डेफिनेट स्टोरी, एंड आई एम श्योर पीपल आर गोइंग टू एंजॉय वॉचिंग ऑल दी एपिसोड्स.